Hello friends, welcome to my channel Guidance Angle by Hamza, and today I want to show how you can use object option in Microsoft Word. यानि कि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप Microsoft Word में object option का यूज कर सकते हैं. तो उसके लिए करना क्या होगा कि आपको वीडियो को पूरा वॉच करना होगा. तो चलते हैं आज की वीडियो की जानब. सबसे पहले आपने Microsoft Word को ओपन कर लेना है. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है. इंसर्ट टैब पर जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट. आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट फ्रॉम फाइल. सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ व्हाट इज ऑब्जेक्ट. आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है. ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको इसे सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने ऑब्जेक्ट के नाम से एक न्यू विंडो अपीयर हो रही है. यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्रिएट न्यू, क्रिएट फ्रॉम फाइल. तो आज मैं दोनों के बारे में आपको बताता हूँ. ऑब्जेक्ट टाइप में आपको दिखाई दे रहे हैं बिट मैच इमेज, फोकस्ड रीडर, एक्सेल चार्ट, एक्सेल वर्कशीट, वर्ड डॉक्यूमेंट और मुख्तलिफ. तो सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पर हम बिट मैप इमेज को एक्सप्लेन कर लेते हैं. इस पर क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ओके करना है. तो आपके सामने पेंट का एक विंडो शो हो रही है. इसे हम अब थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. उसके बाद इसका फायदा क्या है कि हम यहाँ पर कोई भी शेप जो हमें या ड्राइंग वगैरह जो हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करनी मुश्किल है या हम कर नहीं सकते. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कोई शेप वगैरह इंसर्ट करके देख लेते हैं. शेप्स पर क्लिक करेंगे, मोर शेप्स. उसके बाद हम यहाँ पर एक शेप को इंसर्ट कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम हार्ट को इंसर्ट कर लेते हैं. इसका कलर रेड कर देते हैं, सेकेंड कलर इसका येलो कर देते हैं. अब हम इसे फिल भी कर देते हैं रेड कलर के साथ, हमने फिल कर दिया. उसके बाद आपको ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में चाहिए तो आपने इसे क्लोज करना है. तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में आ जाएगा. यहाँ पर हमारे पास ये एक इमेज है. अब हमें ये मूव करना है, तो मूव क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा टेक्स्ट इस वक्त रैप नहीं. उसके लिए क्या करना है कि आपने यहाँ पर इस पर क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉर्मेट के नाम से एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है. उसके बाद आपको यहाँ पर रैप टेक्स्ट पर क्लिक करना है, इसे स्केयर कर देना है. स्केयर करने के बाद अब हम इसका साइज पहले छोटा सा डिक्रीज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी समझ आ जाए. हमने इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर लिया. अब मैं ऐसे जहाँ पर भी चाहूँ मूव कर सकता हूँ. फर्स्ट थॉट ये, यानी कि आप इस पर रहते हुए पेंट का यूज भी कर सकते हैं. तो अब दोबारा से ऑब्जेक्ट ऑप्शन पर जाते हैं. ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम बिट मैप इमेज को सिलेक्ट करते हैं. और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डिस्प्ले एज आईकॉन, यानी कि आपको आईकॉन के नाम आईकॉन शो हो आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में. ओके पर क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसका इमेज बिट मैप इमेज का एक आइकॉन बन चुका है. यानी कि अब हम यहाँ पर कुछ डाटा लिखा हुआ है, हमने ये रैंड फंक्शन के जरिए कुछ डाटा लिख लिया. उसके बाद हमें इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ओपन हो जाएगा. सेलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने जाना है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन. उसके बाद आपने ब्राउज करना है. ब्राउज करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है रैम रोम एक फाइल हमारे पास. आप इसे इंसर्ट कर लेते हैं और ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो फाइल इंसर्ट हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं. तो ये फर्स्ट मेथड थोड़ा ये, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज किस तरह आपने करना है. अब हम चलते हैं सेकंड की जानब, यानी कि आपको फिर से ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन आपने वो अपनी फाइल सेलेक्ट करनी है रैम रोम वाली. हम कर लेते हैं इंसर्ट करनी है. उसके बाद आपको यह दिखाई दे रहा है लिंक टू फाइल, यानी कि आपने उस फाइल के साथ लिंक बनाना है. लिंक पर क्लिक करेंगे और इसे ओके करेंगे तो अब हमारा उस फाइल के साथ लिंक बन चुका है. तो अब आपको तीसरा ऑप्शन भी बताता हूँ. यहाँ पर आपने अगेन ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जाकर आपने वो अपनी फाइल सेलेक्ट करनी है, इंसर्ट करनी है. डिस्प्ले एज आइकॉन, यानी कि आपको आइकॉन भी शो हो वर्ड फाइल का. ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर अब डाटा नहीं आएगा, अब आपके सामने आइकॉन बना हुआ है. अब इस आइकॉन पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो फाइल एक न्यू विंडो में ओपन हो जाएगी. आप देख सकते हैं कि अब ये हमारे पास मुकम्मल फाइल जो है वो ओपन हो चुकी है. पहले हमारे पास टेक्स्ट थोड़ा सा आता था, अब हमारे पास एक मुकम्मल फाइल बन चुकी है. आप देख सकते हैं, इसे क्लोज करते हैं. अब उसके बाद आपको अगेन ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है और टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है. यानी कि आपने कुछ फाइल से टेक्स्ट उठाना है सिर्फ टेक्स्ट. तो यहाँ पर हम टेबल पर क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो अब हमारे पास वो सारा कम्प्लीट फाइल आ चुकी है. पहले अगर हम ऑब्जेक्ट से करते थे तो सिर्फ उसके कॉन्टेंट आते थे, लेकिन अब हमने क्योंकि ऑब्जेक्ट में जाकर टेक्स्ट को कॉपी किया है तो हमारे पास सारा टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है. तो उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों ऑब्जेक्ट ऑप्शन की समझ आ गई होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे. तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में.
यहाँ पर आपको सामने दो वीडियोस आ रही हैं, इन दोनों में से किसी पर क्लिक करो और नॉलेज हासिल करो।